इसी तरीके से मुझे इसका बैकएंड है वो भी होस्ट करना है। सही है, बैकएंड जो इसका होगा वो भी मैंने क्या करना है, क्लाउड पे भेजना है वो भी, क्योंकि लोकल मैंने बहुत चला लिया। तो ये रेलवे उस दिन दोस्त ने बताया था, रेलवे डॉट ऐप, तो इसको हम ज़रा ट्राई कर लेते हैं आज की, इसकी क्या रिपोर्ट है। डिप्लॉय फ्रॉम गिट हब रिपॉजिटरी, मैंने कहा हाँ भाई डिप्लॉय फ्रॉम गिट हब, इसने कहा लॉग इन विद गिट हब करा लेते हैं ज़रा। ठीक है, ई कॉमर्स क्रेड को मैंने उधर बनाया नहीं है ना शायद अभी तक। डिप्लॉय फ्रॉम गिट हब रिपॉजिटरी वेरीफाई अकाउंट, कैसे होगा भाई वेरीफाई, योर अकाउंट इज़ अनवेरीफाइड, कैसे वेरीफाई होगा। वेरीफाई फ्री प्लान दिस 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 टू बिगन विथ टू एक्सेप्ट सर टर्म एंड कंडीशन, सही है, आई एग्री हो गया, सही हो गया। अब क्या चाहिए, होस्टिंग डिस्ट्रीब्यूट ये सब चीज़ें मना है इसके अंदर, ठीक हो गया। टॉरेंट वगैरह नहीं चला सकते, VNC नहीं चला सकते, ये सब चीज़ें मना है, ओके नहीं कर रहा ये सब। और बोलो आगे, अच्छा फिर क्या कह रहा है, वेरीफाई वाया गिटहब, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड, ठीक है गिटहब से कर लेते हैं वेरीफाई। और बोलो, अच्छा गिटहब से वेरीफाई ग्रीन हो गया, मतलब हो गया, करने नहीं बोल रही, हो गया ये वाया, ग्रीन हो गया नहीं मतलब हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट किया मैंने, क्रिएट अ प्रोजेक्ट का बटन आ रहा है, ठीक है भाई क्रिएट अ प्रोजेक्ट, डिप्लॉय फ्रॉम गिटहब रेपो, अच्छा अब मुझे ये अपने गिटहब की रिपॉजिटरीज दिखाना शुरू हो गया सारी। अच्छा तो मैंने ये वाला प्रोजेक्ट अभी तक गिटहब में पुश नहीं किया था शायद, गिटहब में पुश किया था मैंने क्या ये प्रोजेक्ट, देख लेते हैं मेरी रिपॉजिटरीज में जाके कि ये मौजूद है वहाँ पे या नहीं है। नो सर, ये उनकी हाँ तो हम एक काम करते हैं फिर, उसको गिटहब में हम डाल देते हैं इसको ना, अब इसको हमने नहीं डाला था ना, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ भाई ई सी ओ डब, यार क्या स्पेलिंग होती है ई कॉमर्स की, डबल एम होता है, ई कॉमर्स क्रेड, सही हो गया जी। ये मैंने पब्लिक रिपॉजिटरी एक बना दी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अ डेमो फॉर क्लास दैट आई एम टीचिंग, सही है। नेक्स्ट कर दिया मैंने, ये एक एम्प्टी रिपॉजिटरी बना रहा हूँ मैं, इस एम्प्टी रिपॉजिटरी में मैंने जो है ना वो पुश कर देना ये सारा का सारा कोड। मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे आता हूँ और मैंने कहा कि भाई टर्मिनल खोलो डेस्कटॉप पे, सही है। अच्छा ये डेस्कटॉप पे अभी भी नहीं हूँ मैं, डेस्कटॉप पे मुझे जाना पड़ेगा, CD करके मैं डेस्कटॉप पे चला गया, मैंने कहा क्लियर, डेस्कटॉप पे खड़ा होकर मैंने कहा गिट क्लोन और स्पेस करके ये मैंने पूरा क्लोन कर लिया जो एम्प्टी रिपॉजिटरी मैंने अभी भी बनाई थी, CD करके मैं इसके अंदर चला गया, CD करके मैं इस फोल्डर के अंदर चला गया, मैंने कहा इसको VS कोड में ओपन कर दो, कोड स्पेस डॉट, ये VS कोड में ओपन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने जो कुछ भी बनाया हुआ है ना ये 11 पूरा, इसके अंदर का पूरा कंटेंट उठा के कहाँ ले आऊँगा मैं, इस जगह पे ले आऊँगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैंने क्या किया, इधर पे आके पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है थोड़ी देर में खुद ही पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एक यानी सेपरेट रिपॉजिटरी बना दी मैंने, एक सेपरेट रिपॉजिटरी इसकी मैंने क्या कर दी, सेटअप कर दी। अब इतने को हम रेलवे पर इंशाल्लाह डिप्लॉय कर देंगे, अभी तो सेट हो जाएगा ये हमारा काम। अच्छा ये नॉड मॉड्यूल मैंने कॉपी नहीं करना था, ये मैंने गलत कर दिया ना, नॉड मॉड्यूल मैंने कॉपी नहीं करना था क्योंकि ये लगाएगा अब ज़्यादा टाइम। अच्छा हो गया, चलो वेल डन यार, बड़ी जल्दी हो गया ये, वरना नॉड मॉड्यूल ना काफ़ी टाइम लगाता है। अच्छा मैंने कह दिया ऑल कोड, क्योंकि सारा का सारा कोड मैंने इसमें किया हुआ था, और अब मैंने कर देना इसको पुश, सही है पुश हो गया, आके देखते हैं इधर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया कोड, सही है कोड इधर पहुंच गया। तो अब मैंने ये मेन जो रिपॉजिटरी है ना अपनी, इसको मैंने कर देना है क्लोज़ अब, सही है। मैं ये इस प्रोजेक्ट के अंदर आ गया हूँ, अब ये सिंगल प्रोजेक्ट है जो कि गिटहब में पुश हो चुका है, और ये मेरा जो है क्या कहते हैं वो है, इसको मैंने जो है ना डिप्लॉय करना है। अब वेब भी है इसका, वेब तो ऑलरेडी मैं डिप्लॉय कर चुका हूँ फायरबेस पे, और अब मैंने इसका ये सर्वर जो है ये भी रेलवे के ऊपर डिप्लॉय करना है, ठीक है। डेटाबेस इसका ऑलरेडी क्लाउड वाला लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है डेटाबेस तो पहले ही क्लाउड वाला है इसके। अच्छा तो अब मैं रेलवे पे जाके बोलता हूँ कि यार ये मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, ये ई कॉमर्स जो है, क्या सीन है इसको पता क्यों नहीं चल रहा, कन्फिगर गिटहब ऐप, ये सारी ऐप मुझे दिखा नहीं रहा, ऑल रिपॉजिटरीज ओनली सेलेक्टेड, रीड 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 इंस्टॉल एंड ऑथराइज, सही तो है बस। वेन योर साइट इज़ रेडी क्लिक बिलो,
गिटहब की मोबाइल ऐप पे ये टू फैक्टर करवा रहा है। गिटहब की मोबाइल ऐप मैंने खोली, ओए हो, ये तो बहुत ही उन्होंने सही कर दिया। 85 लिख के अप्रूव दबा दिया मैंने, सही है, अप्रूव हो गया है, फेल टू अप्रूव। गिटहब की ऐप मैंने दोबारा खोली, 85 था ना, 85 अप्रूव, सही तो है, हो गया अप्रूव, पता नहीं पहले क्यों फेल हो गया था। गो टू होम, फिर स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे ले आया मुझे। चलो भाई दोबारा स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। ओए ओए ओए, ये क्या हुआ, रिपॉजिटरी लॉग इन विद गिटहब अभी तो किया है, कितनी बार लॉग इन विद गिटहब करवाएगा ये। लॉगिंग यू वाया गिटहब, सही है। अब आना शुरू हो गया, ठीक है। पहले यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं आ रहा था, पता नहीं दो बार इसने क्यों करवाया, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए दो बार वाला, ठीक है। अच्छा एक ई कॉमर्स स्टोर पहले भी बना हुआ है मेरे पास गिटहब में यार, देखते हैं ज़रा वो क्या था जो पहले से जो एक बना हुआ है। एक ई कॉमर्स पहले भी बना हुआ है इसके अंदर, सर वो प्रोडक्ट लिस्ट थी। हाँ एक हमने बनाया हुआ था पहले भी। अच्छा ये प्लेन HTML में था, ये रिएक्ट वाला नहीं था, ये हमें एक ज़माने में उस वो भी बनाया था हमने, प्लेन HTML से भी बनाया था। तो अभी हम ये क्रड जो अभी बना दिया, डिप्लॉय नाउ का बटन दबा दिया मैंने, तो ये डिप्लॉय नाउ हो जाना चाहिए अब, ठीक है। साइक्लिक असल में काफ़ी प्रॉब्लम्स कर रहा था, तो हमने कहा यार चलो एक ये भी इसको भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा ये डिप्लॉयमेंट इसकी शुरू हो गई है, बिल्ड कर रहा है ये, व्यू लॉग्स बताते भी जाओ भाई क्या बिल्ड कर रहे हो। अच्छा ये बिल्ड हो रहा है, सही है, ये तो डॉकर से बिल्ड कर रहा है भाई। बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा है, हो गया डन हो गया ये। जीरो वल्नरेबिलिटीज फाउंड, चल रहा है चल रहा है भाई, सही है, बिल्ड कंप्लीट हो गया ये। अब इसको ये पब्लिश करने लगा है शायद, बिल्ड सक्सेसफुल, ओके। डिप्लॉइंग ही कर रहा है अभी तक ये, पता नहीं कब कंप्लीट करेगा, काफ़ी टाइम लगा रहा है। मैं भी पता नहीं पहली दफ़ा मैं टाइम लगा रहा हूँ ज़्यादा। 300 MB की इमेज बनी है हमारी पूरी, सही है। MongoDB इज कनेक्टेड भी आ गया, सब कुछ आ गया भाई। URL मेरा किधर से मिलेगा मुझे, URL तो उसने दिया ही नहीं मुझे, URL ये कब देगा। ये क्या बकवास है यार, मेरे सर्वर का URL तो इसने मुझे दिया ही नहीं किसी भी जगह पे, इतने ये भी मैं पहली बार ही यूज़ कर रहा हूँ भाई। दबे मैंने सोचा था एक बार इसको मैं चला के देख लूँगा, लेकिन फिर मैंने बोला चलो छोड़ो बस डायरेक्ट चलाते हैं। डिप्लॉय इन्फो, किसी ने अगर पहले यूज़ किया हो तो कोई बता सकता है मुझे कि क्या चक्कर है इसका, URL मुझे कहाँ से मिलेगा इसका। मैट्रिक्स है, सेटिंग है इसके अंदर, वेरिएबल्स हैं, बिल्ड लॉग्स के भी लास्ट में भी दे रहा होता है ये, बिल्ड लॉग्स
बिल्ड लॉग्स के लास्ट में देना चाहिए उसको, लेकिन दे नहीं रही है। डिप्लॉय लॉग्स के लास्ट में देना चाहिए एटलीस्ट, नहीं दे रही। अरे यार डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं क्या सीन है। अब यहाँ पे सही है, एक तो मेरी ऐप आ गई है। इस ऐप का नाम क्या है? सही है, इनवाइन लेस, रैंडम इसने नाम दिया एक्चुअली, इनवाइन लेस नाम दिया ना। अच्छा हम वैसे ही लिख लेते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्शन यूआरएल हम ज़रा देख लेते हैं कहाँ पे देता है ये। अच्छा ये इनके डिप्लॉयमेंट का ना वो है, पूरा डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, ये बता रहे हैं कि कैसे डिप्लॉय होता है ये। सही है, इनकी सीएलआई भी है, इसके ज़रिए भी कर सकते हैं डिप्लॉय, ठीक है। और आगे, अच्छा व्हेन यू आर दिस 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 रेलवे डॉट लिंक, ठीक है। रेलवे रन सी एम डी, ठीक है। किसी ने शायद कोई मैसेज भेजा है, सर मेरा एरर आ रहा है, करते हैं आपके एरर पे कुछ अभी। ये सीएलआई से बता रहे हैं करना सारा टाइम। सही है, रेलवे ऐप और डैट डॉट प्रोजेक्ट और ऐसे करके आ रहा है ये। अच्छा हमारे पास ये इस तरह नहीं आ रहा भाई, दबे हमारे पास थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। इनके केस में ये यहीं पे यूआरएल बना के दे दे रहा है, व्यू लॉग्स। यार ये क्या बकवास है, वेरिएबल्स आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, दिस इज दिस। ओके ये सेटिंग में आके ना मुझे जनरेट डोमेन का बटन दबाना पड़ेगा, ये जब जाके इसका यूआरएल बना के देगा मुझे। सही है, बाय डिफ़ॉल्ट ये कोई यूआरएल बना के नहीं दे रहा। सही है, ठीक है। कस्टम डोमेन भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, कस्टम डोमेन के पैसे नहीं मांग रहा ये। एक मिनट, कस्टम डोमेन के तो पैसे मांगने चाहिए इसको यार। वाह यार ये तो पैसे भी नहीं मांग रहा, क्या बात है। हरी को तो पैसे मांगता है कस्टम डोमेन के। अच्छा वेल, तो मैंने क्या किया, इसको क्लिक कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा यूआरएल आ गया। अब मैंने क्या करना है, अपने फ्रंट एंड पे भी ना यही वाला यूआरएल लगा देना है। जैसे मैं वेब में गया लास्ट टाइम, मैं कैसे यूआरएल को अपने यूज़ कर रहा था, यहाँ पे जाता था ना मैं, मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने एक फ़िक्स किया हुआ था यूआरएल कि भाई जान ये है मेरा यूआरएल लोकल और ये है मेरा यूआरएल वो वाला हरिको वाला। सही है, तो अब की बार तो हम हरिको नहीं यूज़ कर रहे, अब तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रेलवे यूज़ कर रहे हैं, राइट। सही है, ये रेलवे का मैंने यहाँ पे यूआरएल लगा दिया। तो अब जब भी ये प्रोडक्शन वाले मॉड में होगा तो वो फिर ये रेलवे का ही यूआरएल हिट कर रहा होगा। और अब मुझे ज़ाहिर है इसको फायरबेस पे दोबारा से होस्ट करना होगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, फायरबेस, अच्छा वेब में जाके मुझे करना होगा ये सीडी वेब। ओ सीडी वेब, सी डी वेब में जाके मैंने कहा फायरबेस डिप्लॉय, ताकि इसको दोबारा डिप्लॉय कर दे, ठीक है। यानी जो मेरी लोकल ऐप थी ना उसको मैं फुली अब क्लाउड पे डिप्लॉय कर रहा हूँ, मतलब क्लाउड पे भेज दिया मैंने पूरा का पूरा उठा के उसको।
कोई भी चीज़ अब मेरी लोकल नहीं है। सही है, ये ई कॉमर्स स्लैश लॉगिन है ना जो, अरे इसको क्या हुआ, ये ऐप गायब हो गई। ओके मैंने वो ऐप रन बिल्ड नहीं चलाया, उसके बगैर ही कर दिया। npm रन बिल्ड भी तो चलाना होगा ना मुझे, वरना यहाँ जो चेंजेस किए मैंने वो बिल्ड के फोल्डर में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। npm रन बिल्ड मैंने पहले चलाना था, उसके बाद मैंने डिप्लॉय करना था इसको। सही है, हो तो गया डिप्लॉय, खैर गायब नहीं हुई है ऐप, वो आ गई है, 2 मिनट के लिए गायब हुई थी, लेकिन वो npm रन बिल्ड चलाए बगैर मैंने कर दिया था, तो उससे रिफ्लेक्ट नहीं होती फिर चेंजेस। ठीक हो गया, तो अब जब मैं यहाँ पे लॉगिन अब चलाऊँगा ना, तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल सेट चलेगा लॉगिन। अभी तो ये एरर दे रहा होगा यहाँ पे ना कंसोल पे कि भाई अभी जो आपने हिट किया है ना वो गलत है URL। ठीक है, अभी तो ये एक्सेस का URL दे रहा है। ओके अच्छा, ये मुझे अपने सर्वर पे भी ना ये वाला URL बताना पड़ेगा अब, क्योंकि पहले तो मैं एक्सेस ऑरिजिन में दूसरा बताता था ना, लोकल होस्ट बताता था, अब मुझे ये भी मैंशन करना पड़ेगा कि भाई इधर से भी आती है रिक्वेस्ट। ठीक है, तो मैं अपने सर्वर पर जाऊँगा और अब मैं अपने सर्वर पे जाके उसको बोलूँगा कि भाई लोकल होस्ट 3000 से भी आएगी रिक्वेस्ट, और थोड़ी इधर से भी आएगी रिक्वेस्ट ना, यहाँ से भी आ सकती है रिक्वेस्ट, तो दोनों जगह से आपने एक्सेप्ट करना है। तो बस ये इतनी सी बात है, ये भी ताकि जो है ना मुझे क्या कर दे, ये अलाउ कर दे। ठीक है, ये 2 मिनट के लिए गायब होता है यहाँ से, लेकिन ये फिर वापस आ जाता है। अभी मैंने फ़ौरन फ़ौरन फायरबेस पर डिप्लॉय मारा है, तो ठीक हो गया। हाँ ये अभी जो है ना यार, ये क्या हुआ क्यों नहीं अभी तक। ओके, इसको मैंने भेजा नहीं ना वहाँ पर, इसको मैं रिपॉजिटरी में भेजूँगा तो ऑटोमेटिक दे देगा ये। मैंने कहा कि भाई फायर बेस होस्टिंग URL एडेड इन कोर्स। ठीक है, कोर्स के अंदर मैंने फायर बेस का भी URL डाल दिया। अच्छा, फायरबेस पे मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब मैं यहाँ पे स्लैश लॉगिन होता है ना और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये बोलता है पेज नॉट फाउंड। ठीक है, हालांकि हमारे पास लोकल में ऐसा नहीं हो रहा था। लोकल में हमारे पास, अगर इसको लॉग आउट कर दूँ मैं, ये क्या हुआ, लॉग आउट नहीं हुआ। अच्छा, वो लोकल तो चल ही नहीं रहा ना, बंद हुआ है। लोकल चला देते हैं 2 मिनट के लिए इसको। ठीक है, ये लोकल में मेरे पास ऐसा नहीं हो रहा था, ये जस्ट फायरबेस में ही हो रहा है मेरे पास। चल जा भाई लोकल। ठीक है, अगर मैं स्लैश लॉगिन है इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये यहीं पे खड़ा रहता है, ये कोई मसला ही नहीं होता इसके साथ। ठीक है, ये फायरबेस होस्टिंग में सिर्फ ये इशू है। तो वो होस्टिंग में ना एक क्वेश्चन इसने पूछा था कि भाई सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनानी है या क्या करना है, तो उसमें मैंने बोल दिया था नो। तो मैं फायरबेस इनिट करके ना, वो वाला सवाल मुझसे ये दोबारा पूछेगा ना, वो वाला सवाल मुझसे ये दोबारा पूछेगा, उसमें मैंने बोलना था सिंगल पेज एप्लीकेशन, क्योंकि हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं ना। ठीक है, ये कह रहा है सिंगल पेज एप्लीकेशन आप बना रहे हो, क्या कर रहे हो आप, तो मैं उसको बोलना था मुझे यस, वो मैंने सारा डिफ़ॉल्ट पे कर दिया था ना, नो नो। सही है, ऑटोमेटिक बिल्ड एंड डिप्लॉय भी चलो ये भी कर देते हैं हम। इससे क्या होता है कि जब आप गिटहब में पुश करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक उसको वो उठा लेता है। इसको भी यस कर देते हैं, ये भी सीख जाओ हाथ के हाथ। ठीक है, और कि क्या पूछ रहा है, फाइल अपलोड इंडेक्स डॉट html ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, कह रहा है इंडेक्स की फाइल पहले से मौजूद है, क्या उड़ा दूँ उसको। मैंने कहा नो, इसको उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये गिटहब में लॉगिन कर लिया इसने जाके, और इसने यहाँ पे ना एक फ़ोल्डर बना दिया है, दैट इज़ कॉल्ड गिटहब एक्शंस के नाम से एक फ़ोल्डर बनाना चाहिए था इसको। अच्छा, ये तो अभी पूछ ही रहा है ना, सवाल पूछ रहा है मुझसे, कह रहा है यूज़र नेम बताओ और रिपॉजिटरी बताओ ऐसे करके। तो मैं आ जाता हूँ, ये रिपॉजिटरी इसको बता देता हूँ ना, जो मेरी रिपॉजिटरी है। कह रहा है वो मुझे बताओ तो सही कि कौन सी रिपॉजिटरी होगी जहाँ से मैंने ये उठाना है। तो ये मैं भी गया सबसे लेटेस्ट वाली जो मेरी रिपॉजिटरी थी उसमें चला गया, और इसको यूज़र नेम स्लैश रिपॉजिटरी का नाम ना ऐसे करके कॉपी कर लिया, और इसको आगे इधर मैंने बता दिया। ठीक है, कह रहा है रिट्रीविंग सर्विस अकाउंट, ये एक सर्विस अकाउंट बना रहा है, यानी बैकग्राउंड में एक सेटिंग कर रहा है ये, जिसके ज़रिए क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक डिप्लॉय को इनेबल करेगा। सही है, अच्छा क्या कह रहा है, सेटअप वर्क फ्लो टू रन अ बिल्ड स्क्रिप्ट बिफोर एवरी डिप्लॉय। हाँ, मैंने कहा भाई हर डिप्लॉय से पहले आपने क्या करना है, npm रन बिल्ड चलाना है। ठीक है, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, npm रन बिल्ड भी चलवा सकता हूँ, और उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, बिल्ड का फोल्डर डायरेक्ट भी मैं पुश
करवा सकता हूँ। तो मैंने कहा चल सही है भाई, एन पी एम रन बिल्ड चला दिया करो। ठीक है, इसने कहा भाई सेटअप ऑटोमेटिक डिप्लॉय लाइव चैनल मर्ज मर्ज इज़ मर्ज। ये आपका जो मेन ब्रांच होती है ना, जो क्योंकि आप जब डिप्लॉय करते हैं तो ब्रांच में एक ही ब्रांच आ रही होती है मेन, तो ये कह रहा है उसी में जब कुछ पुश हो तो आपको जाने दो, मैं मतलब उठा लिया करूँ। मैंने कहा यस। अच्छा कौन सा पूछ रहा है कि मेन आपका है? ठीक है मेन ही लिखा हुआ, एंटर कर दिया मैंने तो मेन उठा लिया इसने। तो इसने जो है ना मुझसे ये पूछ देख लिया सारा कुछ कि भाई क्या सीन है इसका। ठीक है, तो अब ये अगर मैं यहाँ से डिप्लॉय कर दूँ तो भी ठीक है, नहीं डिप्लॉय करूँ तो वहाँ से खुद ही उठा लिया करेगा उसको। मैं वैसे यहाँ से फ़िलहाल डिप्लॉय कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने दोबारा डिप्लॉय कर दिया। तो अब ये जो स्लैश लॉगिन पे जाके वो फेल हो जाता था ना, ये अब क्या होगा, स्लैश लॉगिन पे ये पेज नॉट फाउंड नहीं बोलेगा, अब वो दोबारा से लॉगिन पे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेट हो गया। वो सिंगल पेज एप्लीकेशन को ना यस करना था, वो मैंने नो कर दिया था इसलिए ये एरर आ रहा था। ठीक है, बिल्कुल सेट हो गया ये। अब गेटअप पे इसमें भी कुछ कर रहे हैं आप। हाँ गिटहब में वो, इसको मैं कॉपी करके दोबारा उसमें भी डाल दूंगा। 1 2 3 4 5 मैंने पासवर्ड रखा था इसका, साइन इन का बटन प्रेस किया तो ये लॉगिन हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारी ऐप ना कम्प्लीटली अब कहाँ जा चुकी है, क्लाउड में शिफ्ट हो चुकी है। इसका फ्रंट एंड भी क्लाउड में जा चुका है, इसका बैक एंड जो है वो रेलवे पे जा चुका है। ठीक है, तो बस ये इसको बंद कर देता हूँ अब सबको मैं। ये असल में क्लाउड पे ले जाना ज़रूरी था इसको, PWA, वरना इसको समझ में नहीं आता कि भाई PWA क्या है ये ना। तो अब मैं इसका ये URL जो है ना, मेरी ऐप का जो URL है, इसको मैं उठा के कहाँ पे भेजता हूँ, इस पर यहाँ पे डालता हूँ कि भाई चेक करके बताओ मेरी ऐप का क्या सीन है ना, मेरी ऐप